हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो इस प्रकार था, हाइब्रिडोमा सेल्स आर, यानी हाइब्रिडोमा सेल्स होती क्या है। ऑप्शंस उसके चार थे। मैं पहले आपको बता दूं, हाइब्रिडोमा जो नाम दिया गया है, हाइब्रिड ओमा, एक्चुअली क्या होता है, एक टेक्निक है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहलाती है, जस्ट टू प्रोड्यूस द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इसमें सबसे पहले हम एक माइलोमा सेल लेते हैं। माइलोमा इज ए बोन मैरो सेल, और उस बोन मैरो सेल को हम क्रॉस कराते हैं, फ्यूज कराते हैं टू द बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट वो लिम्फोसाइट्स होती हैं जिसको हम पहले एंटीजन देकर स्टिमुलेट कर देते हैं, बिकॉज द बी लिम्फोसाइट हैज ए टेंडेंसी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पर्टिकुलर एंटीजन। तो पहले हमने बी लिम्फोसाइट को एंटीजन देकर स्टिमुलेट किया, दे बिकम सेंसिटिव, नाउ दीज बी लिम्फोसाइट गेट फ्यूज्ड विद द माइलोमा सेल्स एंड नाउ इट इज नेम्ड एज एन हाइब्रिडोमा बिकॉज इट्स अ हाइब्रिड ऑफ माइलोमा एज वेल एज लिम्फोसाइट। इसके अंदर दोनों करेक्टर आ जाते हैं, माइलोमा के यानी रैपिड डिवीजन के, प्लस एंटीबॉडी फॉर्मेशन के। यही जो एंटीबॉडीज, इन्हीं का हम कल्चर करते हैं, और जो फाइनली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं को हम लोग नाम देते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। दीज आर वेरी हाईली स्पेसिफिक एंटीबॉडीज विच कैन एक्ट अगेंस्ट द पर्टिकुलर एंटीजन। बहुत शुद्ध होती हैं, बहुत ज़्यादा टारगेटेड होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, इसलिए हम इनको मैजिक बुलेट्स भी कहते हैं। हालांकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यानी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम बहुत सारे पैथोलॉजिकल डिटेक्शंस में भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट तक में भी किया जा रहा है, इसका स्कोप जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कॉचलर एंड माइलस्टोन की टेक्नोलॉजी है एंड दे प्रूव्ड इज हाउ मच इम्पॉर्टेंट, तो दैट्स वाई दे गॉट द नोबेल प्राइज। यस, बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही किया। मिस्टर अमन मलिक इज द फर्स्ट स्टूडेंट जिसने सबसे पहले सही आंसर किया। इट्स ए मैटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन टू अगेन मिस्टर अमन मलिक, यू हैव डन वेल। बहुत बहुत बधाई, सभी बच्चों को बधाई। आपकी एक्टिवनेस थोड़े थोड़े बीच बीच में कम पड़ जाती है, किसी किसी वीडियो में आपने से बहुत ज़्यादा लोग रिस्पॉन्स करते हैं, आंसर करते हैं, और कई वीडियो में लोग आंसर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा, अगर आप वीडियो से इंटरेक्ट करते हैं तो आंसर करें, देख के छोड़ देंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। आप इंटरेक्ट ज़रूर करिए, अपना आंसर दीजिए, जिससे मैं तो अवेयर हूँ कि आप आंसर दे रहे हैं। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो को लेकर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट वॉज एनिमल हस्बेंड्री, लेकिन वो एनिमल हस्बेंड्री में हमने सिर्फ 9 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब उसी सीरीज को लेकर हम सेकेंड पार्ट को लेकर आपके सामने आ गए और क्वेश्चंस की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा अगला सवाल है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, कीपिंग बी हाइव इन द क्रॉप फील्ड ड्यूरिंग द फ्लावरिंग पीरियड कॉजेस। अगर आप बी हाइव क्रॉप फील्ड में फ्लावरिंग पीरियड में उसी के आसपास लगाते हैं तो सर कई सारे बेनिफिट होते हैं। जो हमारी हनी बी होती है उनको ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि अगर फ्लावरिंग प्लांट्स बगल में होंगे तो उनका टाइम काफ़ी बच जाता है और वो नेक्टर आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हनी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। दूसरा सर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आसानी से वो ट्रैवल कर सकती हैं, उनको समय कम लगेगा तो पॉलिनेशन एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, और जाहिर है जब पॉलिनेशन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो यील्ड ऑफ क्रॉप भी बढ़ जाएगी। इस लिहाज से इस क्वेश्चन का आंसर डी होना चाहिए, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इट्स ए क्रॉस बिटवीन टू एनिमल्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट स्पीसीज। ये एक प्रकार की आउट ब्रीडिंग है। आउट ब्रीडिंग तीन प्रकार की होती है, आउट क्रॉस, क्रॉस ब्रीड और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्रॉस दो एनिमल्स के बीच में होगा लेकिन वो डिफरेंट स्पीसीज के होंगे। तो म्यूल जो है, एंड दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ए इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें म्यूल इज द प्रोडक्ट ऑफ मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, इसलिए 11th का ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन MOET, तो सवाल आगे पढ़ें तो हम इसी के बारे में पहले बता दें।
मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। ये बड़ी एडवांस टेक्निक मानी जाती है और एक ऐसी टेक्निक ही है जिससे हम हर्ड का साइज यानी जानवरों के झुंड का साइज बहुत थोड़े समय में बहुत जल्दी से इम्प्रूव कर सकते हैं। इस मेथड में सबसे पहले जो काऊ या जो कैटल हमने सेलेक्ट किया है उसको हम हार्मोन के इंजेक्शंस देते हैं, जैसे FSH लाइक जिनके अंदर एक्टिविटीज हो, एंड जस्ट पर्पस टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैच्योरेशन कि उसके अंदर फॉलिकल मैच्योर हो, ना सिर्फ फॉलिकल मैच्योर हो बल्कि उनके अंदर सुपर ओवल्यूशन हो। सुपर ओवल्यूशन का मतलब कि जैसे सामान्यतः वो काऊ सिर्फ एक बार में एक ही एग प्रोड्यूस करती है, तो हम सर इस तरह के हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं ताकि उसमें एक से ज़्यादा अंडे प्रोड्यूस हों। चाहत ये रहती है कि तकरीबन 6 से 8 अंडे प्रोड्यूस हों। फिर जब ओवल्यूशन होता है उस दौरान उस एनिमल को ईदर हम नेचुरल तरीके से मेट कराते हैं विद एलाइट बुल या आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कराते हैं जस्ट इन फेवर ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ऑल द ओवल्यूटेड एग। अब हमारे यहाँ जो फर्टिलाइज्ड एग हैं वो आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं, बट एट द स्टेज ऑफ 8 to 32 सेल, 8 से 32 सेल स्टेज पर दिस फर्टिलाइज्ड एग इज ट्रांसफर्ड टू द सरोगेट मदर। तो ये एक ऐसा तरीका है जिस तरीके ने जो हमारी खामियां थी दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की वो दूर कर दी। तो अब सवाल पढ़ के देखें, इन MOET-cell stage द फर्टिलाइज्ड एग्स आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर टू द सरोगेट मदर। अभी हमने आपको डिक्टेशन में बताया 8 से 32 सेल स्टेज पर हम फर्टिलाइज्ड एग को न सिर्फ रिकवर करते हैं बल्कि उसी स्टेज में हम सरोगेट मदर को ट्रांसफर करते हैं। सरोगेट मदर का मतलब हुआ वो मदर जो जेनेटिकली मदर नहीं होती है, वो सिर्फ एम्ब्रियो को कैरी ऑन करती है जस्ट एट टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी। ऑप्शन ए 8 to 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हिसारडेल इज ए न्यू ब्रीड ऑफ द शीप डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग। हिसारडेल शीप की एक नई वैरायटी है, हिसार नाम का प्लेस है पंजाब में, वहीं पर डेवलप हुई थी। यस हिसारडेल इज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड में हम दो एनिमल के बीच में क्रॉस कराते हैं लेकिन दोनों एनिमल सर डिफरेंट ब्रीड के होने चाहिए। तो सर दिस इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉस ब्रीड बिटवीन बीकानेरी इव एंड मैरिनो रैम। इव का मतलब भेड़ी और रैम का मतलब भेड़, तो इस लिहाज से आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, म्यूल इज द प्रोड्यूस्ड बाई। जो म्यूल है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? बाई क्रॉस ब्रीडिंग, यानी किसके बीच में हम क्रॉस कराते हैं तब म्यूल प्रोड्यूस होता है। तो म्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाई क्रॉस बिटवीन मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। अभी पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया हमने, अगर यही जगह पर मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी हो जाए तो सर दैट विल प्रोड्यूस द हिन्नी, और हिन्नी कॉमर्शियली बेनिफिटेड नहीं है, उसके अंदर वो डिजायरेबल करेक्टर्स नहीं आते जो हम ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन म्यूल हैज एन कॉमर्शियल यूज, इट इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ लगेज एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। इस लिहाज से आंसर बी होना चाहिए, दैट इज म्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का टाइप क्या है? तो आपके चैप्टर के शुरुआत में ही हमने कहीं बता दिया है कि हमारी जो ब्रीडिंग है एनिमल वो दो प्रकार की है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग हम तब कहते हैं जब दो जानवर, लेकिन दोनों जानवर जो हैं वो सेम ब्रीड के होने चाहिए, ना सिर्फ ब्रीड बल्कि रिलेटेड विद ईच अदर अप टू 4 to 6 जनरेशन, ये है इन ब्रीडिंग। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग इज ए क्रॉस बिटवीन टू एनिमल्स ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स। अब वो अनरिलेटेड सेम स्पीसीज के हैं तो आउट क्रॉस, अनरिलेटेड लेकिन डिफरेंट स्पीसीज के हैं तो क्रॉस ब्रीड, अनरिलेटेड लेकिन डिफरेंट स्पीसीज के हैं तो वो कहलाएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इस लिहाज से आंसर डी होना चाहिए, आउटब्रीडिंग के तीनों टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मैच द कॉलम। आपको दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2।
व्हाइट रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन एंड ब्लू रिवोल्यूशन, तीन हैं, चार जान लीजिए। व्हाइट रिवोल्यूशन का ताल्लुक मिल्क प्रोडक्शन से है, ग्रीन रिवोल्यूशन का ताल्लुक ज्यादा सा क्रॉप प्रोडक्शन से है, और ब्लू रिवोल्यूशन का ताल्लुक ज्यादा सा फिश प्रोडक्शन से है। लेकिन ऑल द प्रोग्राम विच इज यूज टू प्रोड्यूस इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एग, दैट इज नोन एज सिल्वर रिवोल्यूशन। तो ध्यान रखें, व्हाइट मिल्क, ग्रीन क्रॉप, ब्लू फिश एंड सिल्वर फॉर एग। यस, हियर इज द करेक्ट आंसर इज द ए, जहां पर एकदम सीधे सही आंसर दिया है कॉलम वन का कॉलम टू में। व्हाइट वन, बी टू एंड सी थ्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक्वाकल्चर मींस। अब एक्वाकल्चर अगर आपको जानना है तो सबसे पहले अपनी हेडिंग्स में फिशरीज को जान लें, क्योंकि फिशरीज एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका डिवोशन जो है दैट इज फॉर कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ द फिशेज, सेल फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। यानी जब हम फिशरीज कहते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका ताल्लुक है तो एनिमल से, लेकिन सभी एनिमल के साथ है जो एक्वेटिक हों, चाहे वो फिशेज हों, चाहे वो शेल फिशेज हों, चाहे क्रस्टेशियंस हों, यानी सभी एनिमल के साथ है। लेकिन दूसरा शब्द है पीसी कल्चर। जब हम पीसी कल्चर कहते हैं तो दैट्स रिलेटेड ओनली विद द डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेज। लेकिन जब हम एक्वा कल्चर कहते हैं तो एक्वा कल्चर बड़ा टर्म है, इट्स रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ नॉट ओनली एक्वेटिक प्लांट्स बट ऑल्सो एनिमल्स। तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एक्वा कल्चर, पीसी कल्चर एंड फिशरीज। तो एक्वा कल्चर का ताल्लुक सर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ या कल्चर ऑफ एक्वेटिक एनिमल एज वेल एज एक्वेटिक प्लांट दोनों से है, इस लिहाज से सी होना चाहिए। यस, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी वैक्स इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ हनी, हनी की जगह हनी बी होना चाहिए, इट्स ए मिसप्रिंट। तो कहा जा रहा है बी वैक्स जो है वो हनी बी का बाई प्रोडक्ट है, एक लिहाज से तो गलत है। हनी बी का जो मुख्य प्रोडक्ट है वो बी वैक्स ही है, क्योंकि हनी बी का जो शरीर का प्रोडक्ट है उनके पास वैक्स ग्लैंड होती है और उसी से वो हनी बी वैक्स निकालते हैं। हनी इनका रियल प्रोडक्ट नहीं है, हनी तो ये नेक्टर का पार्शली डाइजेस्टेड नेक्टर है। जब हनी बी प्लांट या फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है उसे क्रॉप में स्टोर कर लेती है और फिर पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, वही पार्शली डाइजेस्टेड नेक्टर रीगर्जिटेट होता है एंड दैट इज नेम्ड एज एन हनी। लेकिन बी वैक्स जो है उसके पास ग्लैंड पाई जाती हैं और एब्डोमिनल सेगमेंट में जहां से वैक्स का सिक्रीशन करते हैं, तो उस लिहाज से तो गलत है। लेकिन आगे भी पढ़ते हैं, हनी बी आर द पोटेंट पॉलिनेटर, पोटेंट का मतलब महत्वपूर्ण, ताकतवर, तो हनी बी बहुत बढ़िया पॉलिनेटर है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए कहा जाता है कि बी हाइव की कोशिश की जानी चाहिए कि जो फील्ड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसी के आसपास लगाई जाए। थर्ड ऑप्शन है हनी इज ए फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, बिल्कुल सही है, हैविंग हनी हैज एन लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और मोनोसैकेराइड के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट है, सबसे ज्यादा इसके अंदर फ्रक्टोज है लेकिन वो लीवोरोटेटरी फॉर्म में है, इसलिए आप कभी पढ़ें तो लैविलोज आता है, यानी शहद में सिर्फ लगभग 40% जो है वो फ्रक्टोज है, लगभग 30% ग्लूकोज है, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ज़्यादा है। अब चौथा ऑप्शन है डी, तो बी और सी तो बिल्कुल सही है, तो या तो ऑप्शन बी और सी होना चाहिए, लेकिन मैं इस तरह के क्वेश्चन में डी प्रेफर करूँगा, क्योंकि बी और सी बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल गलत नहीं है लेकिन बिल्कुल सही भी नहीं है, इस लिहाज से आंसर डी होना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके लिए जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्राइज्ड वूल यील्डिंग पश्मीना ब्रीड इज। दुनिया की बड़ी मशहूर वूल जो है पश्मीना है। सवाल पूछा जा रहा है कि ये पश्मीना कहाँ से प्राप्त होती है। फर्स्ट ऑप्शन है गोट, सेकंड शीप, थर्ड इज अ गोट शीप क्रॉस एंड फोर्थ ऑप्शन है कश्मीर शीप, अफगान शीप क्रॉस। बड़ी पॉपुलर पश्मीना
है, उसके शॉल बड़ी पॉपुलर हैं, तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे यू कैन गेट योर आंसर। यस, एनिमल हस्बेंड्री के ये हमारे 18 सवाल हो गए। मैंने 18 सवाल में कोशिश की कि सर आपके टॉपिक्स कवर हो जाएं। एनिमल हस्बेंड्री बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको बिल्कुल समझ में आने चाहिए, जैसे इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग, दैट इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, आउट क्रॉस, क्रॉस ब्रीड, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मल्टीपल ओवल्यूशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, एपिकल्चर, फिशरीज, पीसी कल्चर एंड एक्वाकल्चर। लेकिन सर इस टॉपिक को पढ़ने के साथ आप तीन डायग्राम को भी जरूर देखिएगा कि सर एक डायग्राम बना है आपके लिए जर्सी का, हाई यील्ड कैटल, मिल्क ज्यादा प्रोडक्शन है। दूसरा एक फोटो बनी है लेग हॉर्न की, मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, और तीसरी म्यूल की फोटो बनी है। तो यू शुड नो अवेयरनेस अबाउट, यू शुड हैव एन अवेयरनेस अबाउट दीज थ्री एनिमल्स, कि जर्सी जो है वो यूएसए की ब्रीड है, न्यू जर्सी इज ए प्लेस तो वहीं की ब्रीड है सर जर्सी, व्हाइट लेग हॉर्न इज ऑल्सो द फॉरन ब्रीड, एंड म्यूल इज द इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।